1098 ऐसी चाइल्ड हेल्पलाइन है जिसमें हमें लगता है कि किसी बालक के साथ कहीं भी कोई क्राइम हुआ है और उसकी जानकारी अभी तक कहीं साझा नहीं हुई या पुलिस तक नहीं पहुंची, तो जानकारी साझा करने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी और उसका फ़ोन नंबर इसमें गोपनीय रखा जा सकता है, गोपनीय ही रखा जाता है। बालक की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम तुरंत ऐसी सूचना 1098 पर भेजें। हाँ सर, नाम आपका? राणा बंसल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति कैथल। सरकार ने जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना के दौरान डेथ होगी तो क्या कुछ जो योजना है वो चलाने का वो किया है? जैसा कि हम सबको विदित है, भारत सरकार द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जून 2021 से कोरोना से पीड़ित ऐसे परिवार जिसमें किसी बालक के माता पिता में से दोनों में से एक या दोनों की मृत्यु हो गई है, उनके लिए उनकी आर्थिक सहायता के लिए उनकी एजुकेशन से जुड़ी हुई एक स्कीम लॉन्च की थी प्रधानमंत्री केयर फंड द्वारा, पीएम केयर द्वारा। साथ में हमारे यहाँ हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू हुई। उन सबका हेतु केवल एकमात्र ये है कि ऐसे बच्चे जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या जिनमें से पेरेंट्स में से एक हो गए रह गया है, उनकी शिक्षा और उनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो अपनी शिक्षा पूरी करें और भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होकर देश की समाज की सेवा करें। उसमें कुछ जानकारी, जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। उसमें एक योजना यह है कि जब ऐसा बालक जो अपने माँ बाप के बिना रह रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री पीएम केयर द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की FDR जैसे ही वो बालक 18 साल का होगा कर दी जाएगी और 23 साल का पूर्ण होने पर उस बच्चे को वो FDR मैच्योरिटी के बाद मिल जाएगी। दूसरा, ऐसा बालक किसी भी आवासीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में जिसके लिए वो एलिजिबिलिटीज़ पूरी करता है उसमें वो पढ़ना चाह रहा है तो उसके फीस की व्यवस्था, साथ में उसके पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था और साथ में उसके जो यूनिफॉर्म और अन्य उसके जो खर्चे हैं दिनचर्या से जुड़े हुए वो सब पीएम फंड द्वारा वहन किए जाएंगे। इसमें एक मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, जो भी इस वीडियो को देखेगा, हमारी DCPO के ऑफिस के माध्यम से पूरे ज़िले में सर्वे चल रहा है ऐसे बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि उन सब तक हम इस सहायता को तुरंत प्रभाव से पहुंचा सके और उनको ये आर्थिक सहायता मिल सके। आप सबसे भी प्रार्थना ये है कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन है हरियाणा में 1098 1098, ऐसे बालक जिनकी जानकारी तक अभी हमारे तक नहीं पहुँच पाई है या उनका कोई सरकारी रिकॉर्ड अभी तक नहीं है मान लो मेनटेन, और हमारी जानकारी में ऐसा बच्चा आता है, उसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से 1098 पे भेज सकते हैं। 1098 ऐसी चाइल्ड हेल्पलाइन है जिसमें हमें लगता है कि किसी बालक के साथ कहीं भी कोई क्राइम हुआ है और उसकी जानकारी अभी तक कहीं साझा नहीं हुई या पुलिस तक नहीं पहुंची, तो जानकारी साझा करने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी और उसका फ़ोन नंबर इसमें गोपनीय रखा जा सकता है, गोपनीय ही रखा जाता है। बालक की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम तुरंत ऐसी सूचना 1098 पर भेजें। सर, अपने यहाँ कितने बच्चे हैं ऐसे? अपने अपने ज़िले की अभी ये सर्वे DCPO टीम के माध्यम से चल रहा है। अन्य अन्य स्टाफ भी, जिले के जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो इस डाटा को कलेक्ट कर रही है और जो जो बच्चे आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए हैं वो CWC के पास काउंसलिंग के लिए आना भी शुरू हो गए हैं और उनका फॉर्मल प्रोसेस हमने शुरू कर दिया डॉक्यूमेंटेशन का। सर, पहले कहाँ कॉन्टैक्ट करें बच्चे जिसके माता पिता मदर गुजरी? वो अगर कहीं भी कोई, जो मैंने आपको नंबर बताया 1098, किसी भी मोबाइल से, किसी भी लैंडलाइन से इस नंबर को मिलाएंगे तो वो सीधा जानकारी ईमेल के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाएगी और विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम का मेंबर उनके घर तक पहुंच जाएगा। सर, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? बच्चे की उम्र 18 साल से कम। 18 साल से कम जितने भी, आइदर बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है। अभी तक कितने गए हैं सर? अभी ये डाटा हमारे पास कलेक्टिव डाटा नहीं आया है, लेकिन हमारा सर्वे ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे जैसे डाटा कलेक्ट होता रहेगा हम आप लोगों से साझा कर देंगे।